बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़े की डिश बन रही है जो कि सबको पसंद है और सबकी फरमाइश पे मैं बनाऊंगी बड़े पाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। बड़े पाए बनाने के लिए 2 अदद पाए लिए मैंने दरमियाने साइज के, और उसके पीसेस आप चेक कर लो, छोटे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं साइज। और ये है अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और ये 2 बड़ी लहसुन की पोथियाँ, बहुत बड़ी बड़ी सी, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, ये 2। और लाल मिर्च मैंने लिए 1 टेबल स्पून भर के, नमक 1 टीस्पून फुल भर के, हल्दी लेवल करके टीस्पून, लेवल ऊपर से हटा दो ना जरा सा, एक छोटी सी बनती वो नहीं, लेवल करके टीस्पून हल्दी। और ये तमाम गरम मसाला साबुत है, और ये मेरे पास कलवंजी इसमें मैंने रखी है, ये है ½ टीस्पून। बाकी तेजपात, इलायची, लौंग 4 से 5 इलायची है, छोटी बड़ी इलायची 1, दालचीनी के छोटे छोटे पीसेस, और ये है जायफल जवतरी, दोनों थोड़े थोड़े से, जीरा 1 टेबल स्पून, तेजपात के पत्ते भी मैंने इसमें रखे हैं। और ये मैंने पोटली बना के इसमें शामिल कर देनी। ये पोटली ढीली से बना के ना, इतनी टाइट नहीं बनानी, ताकि मसाले जब फूले तो इससे स्पेस मिले फैलने में और उसका जूसेस अच्छा सा निकल जाए। ये प्याज मैंने चॉप की है, छोटी छोटी सी और गुलाबी सी करनी है, ज्यादा रेड नहीं करनी। बाकी इसने जब मैंने पाए इसमें फ्राई करनी है ना, पहले मैं पाए फ्राई करूंगी थोड़ी देर के लिए, इसका थोड़ा सा जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, और इसमें जो एक अलग सी महक आती है ना पाए की, वो भी नहीं रहेगी, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये ½ कप से ज्यादा मैंने ऑयल इसमें डाल लिया था, और प्याज दरमियानी, ना छोटी ना बड़ी, वो चॉप करके मैंने काट ली, और गुलाबी सा कलर है हल्का सा, और इसमें मैं ये डाल रही हूँ पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए मैंने अभी चम्मच नहीं चलाना, जरा ये एक जगह पे एक साइड से हो जाए, फिर मैं दूसरी साइड इसकी करूंगी। ये जो मैं पोटली दिखा रही थी वो भी इसमें गई। पाए मैंने पहले धोए, पानी में डाल के ना, खूब 4 से 5 घंटे बड़े बर्तन, खुले मुंह वाले बर्तन में डाल के ऊपर से हल्का सा नलका खोल दिया, तो 4 से 5 घंटे हल्का सा नलका इसमें पानी आता रहा, और पानी आस्ता सा निकलता रहा। इससे ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती है पाए की, और स्मेल से भी नहीं आती जो हमें अक्सर आती है खाने में, वो भी निकल गई, और जो इसका एक्स्ट्रा खून था या ब्लड जो भी, वो भी निकल जाता है। और 4 घंटे के बाद मैंने उस पानी से निकाल के, फिर मैंने 4 से 5 अदद आटा और उसका तेल था सरसों का, वो लगा के ना 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, इनको अच्छी तरह हाथों से मसल के तो रख दिया आधे घंटे के लिए। इसके बाद फिर मैंने दोबारा से धो के, फिर मैंने छलनी में रखे, छलनी में रख के ना, ऐसी छलनी ले ली, आप कोई भी ले लो जिससे एक्स्ट्रा पानी उतर जाए। और ये 2 से 3 मरतबा मैंने ये खून गिराया निकाल निकाल के, जितना रहे ये रखे रखो ना, तो बहुत सही इसका सारा पानी निकल जाता है फालतू, और अच्छा अच्छा जायका भी पाए का आएगा, और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये जिस तरह मैं पहले ऑयल में, घी में या ऑयल में फ्राई करूँगी ना, तो इससे भी बहुत अच्छा सा पाए का जायका आएगा। सारी चीज़ों का ध्यान रखो ना कि चीज़ बहुत अच्छी बनती है। और जो मैं ये तरीका बता रही हूँ ना, तो ये कमर्शियल तौर पे इसी तरह पानी में भिगो के रख देते हैं, ये सारी रात रखते हैं। मैंने जो 4 से 5 घंटे रखे ना, तो वो काफ़ी देर इसे छोड़ के रखते हैं कि ये ज़रा पानी निकलता जाए। ये उनकी खास टिप होती है कि वो इस तरह करते हैं। मैं चम्मच चला रही हूँ आस्ता आस्ता, जैसे ही इसका अच्छा सा कलर निकलता है, थोड़े से फ्राई होते हैं, तो जो मैंने मसाले आपको दिखाए ना, वो फिर मैं आपके सामने डालती हूँ। ये इसका कलर नज़र आ रहा होगा। प्रेशर मैंने लिए स्किन को गलाने के लिए, नहीं टोटल नहीं मैंने प्रेशर में गलाने, लेकिन जैसे जो ये मैं मसाला इसमें शामिल कर रही है ना, उसके गलने तक मैंने इसे प्रेशर में पकाना है। उसके बाद फिर मैं खुले मुँह वाला कोई बर्तन लूँगी, उसमें फिर आखिरी लास्ट में ये पकते रहेंगे। अगर चम्मच चलाना मुश्किल हो जाए ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, बड़े आराम से, इस तरह भी ज़रा ना आसानी से आप इसमें हिलजुल हो जाएगी। ये कलर चेंज हो चुका है, मैं चेक करवा दूँ, ये ऐसा कलर होना चाहिए। और ये इसमें जो मसाले में दिखा रही थी, वो तमाम मसाले इसमें गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले आप अपनी नमक, मिर्च, हल्दी आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है, हस्बे जायका। और ये अदरक 1 टेबल स्पून बनता है, ये भी इसमें गया। और ये जो मैं दिखा रही थी आपको लहसुन, बहुत बड़ा बड़ा है, इसकी असल जो टिप है ना, इसके लहसुन का है कि लहसुन ज़्यादा होना चाहिए। लहसुन ज़्यादा होगा, गाढ़े भी बनेगी और मज़ेदार से भी। मैं इसलिए ये मिर्चों का मैंने ज़रा थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है ताकि मिर्चों का ना अच्छा सा कलर घी में निकले, इससे भी खुशबू भी अच्छी आती है। बताई कभी ये तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं बनाती हूँ और कमर्शियल तौर पे भी इसी तरह ही बनते हैं, जो कि हमें एक अलग सा घर से डिफरेंट उसका जायका मिलता है। तो प्याज इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, प्याज दरमियानी होती है। ये ना आप समझो कि प्याज डलेगी तो इसका शोरबा गाढ़ा होगा, लहसुन डलेगा तो इसका शोरबा गाढ़ा होगा। लहसुन मैंने साबुत जो डाला है ना तो बाद में ये गल जाएगा, मैंने निकाल के तो इसे हाथों से निचोड़ के इसका जो गुर्दा है ना मैं इसमें मसाले भी शामिल कर दूंगी, जो इसके छिलके होंगे वो मैं फेंक दूंगी, उसे रिमूव करना है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी में इतना इसमें शामिल कर रही हूँ कि ये जो लहसुन डाला है ना ये गल जाए। प्याज तो सही हो गया, जितना मैंने डाला था ना वो सब मिक्स हो गया इसमें, क्योंकि वो मैंने चॉप किया हुआ था। तो अब मैं प्रेशर इसे लगाने लगी हूँ ढक्कन, तो इतना लगाना है कि ये जो लहसुन है ना ये गल के आसानी से मैं इसे निचोड़ लूँ। बाकी जो गलने वाला सारा प्रोसीजर है वो फिर मैं बाद में बताती हूँ। प्रेशर से मैंने निकाल के पाए खुले मुँह वाले बर्तन में रख दिए, इसमें मैंने भून लिया, पानी सारा ड्राई हो गया और जो मैंने इसमें लहसुन डाला था वो सारा मैंने निचोड़ लिया हाथों से, जो उसका छिलका था वो मैंने फेंक दिए। अब ये इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो पोटली बना के मैंने इसमें डाली थी वो भी अभी तक इसी में है, आखिर में मैंने निकाल ली जब तैयार हो जाएगा पूरा, ताकि इसमें ना बहुत अच्छा सा जायका आ जाए मसालों का, गरम मसालों का। ये सूखा धनिया और जीरा दोनों पीस लिए मैंने, अभी फ्रेश अच्छे से पीस के रख लिए थे। और ये 2 टेबलस्पून बनते हैं, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून धनिया पिसा हुआ, दोनों पीस लिए मिला के। ये भी इसमें अब मैं थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी इसमें। और ये मैं जैसे दिखा रही हूँ, ये जो मिक्की है ना, मैंने ये 4 मिक्की थी इसकी, तो इनका रुख मैंने ऊपर कर लिया है। तो जब मैंने दोबारा चम्मच चलाना है ना तो दोबारा से फिर मैं इनका रुख ऐसे करके तो मैंने पानी डाल देना जितना मुझे पानी चाहिए। तो मैं इसे सारा चला के चम्मच तो आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा भूनना है मैंने, जो मैंने इसमें जीरा और वो डाला है ना उसकी बनाई होनी है थोड़ी सी, तो मैं दिखाती हूँ। अब इसमें आगे पानी की बारी कि पानी कितना डालना है, ये आपकी मर्जी है। मैं इसमें देख ले कितना डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। मिक्कों का फिर रुख मैंने ऊपर कर दिया है, इससे ना जरा बचत होती है इसकी, मिक्कों की निकलती नहीं है, नहीं तो अगर ऐसे छोड़ देना तो निकल जाती। कोशिश है कि ये ना निकले और बाद में फिर ऊपर जैसे शोरबा डालेंगे ना तो फिर मजा आता है इसका, नजर आती है, नहीं तो ये घी की शक्ल बन जाएगी पक पक के। मेरे पास एक छोटा जग था तो ये मैंने पूरा डाल दिया। अब कुछ इसमें पकना भी है ना, अब अभी गले नहीं है इतने, थोड़े से गले होंगे, गले हैं लेकिन इतने नहीं गले। अब इन्होंने पकना है, आस्ता आस्ता पक पक इनका वो जूस निकलेगा, जो ये इसमें चिपचिपाहट सी होती है वो होगा। जब ये पूरे डन हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो मैंने आपको दिखाने हैं। अभी जो भी डाला है ना मैंने आपके सामने डाला यही है, और मिक्कों का मुंह देखने के ऊपर है। और मैंने अब चम्मच नहीं चलाना, इसमें ऐसे ही मैंने बंद करके रखना है। और मैंने ढक्कन ऐसा लिया है कि इसमें ना स्टीम बाहर कम निकले। तो अब ये मैं जैसे ही 1 बॉयल आएगा ना इसका, तो मैंने दम वाली आग पे रखना है इसे। और मैंने पानी इतना डाला है कि इसमें बहुत थोड़ा सा ही कम होगा, गल गल के ना इसका खुद ब खुद ही गल भी जाएंगे स्टीम में, और पानी भी बहुत कम इसमें ड्राई होगा। इसलिए कि मैंने चूल्हा बहुत हल्का रखना है, अगर तेज चूल्हे पे पकाओ ना तो जो ऊपर कलर ये नजर आ रहा है ना आपको, ये भी खत्म हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम स्लो आग पे रखें और आस्ता आस्ता स्टीम में पकता रहे, और कलर भी हमारा बहुत अच्छा सा है जैसा कि नजर आ रहा है। अभी ये पक्का नहीं है, थोड़ा सा ही पका है, तो कितना अच्छा कलर आ गया। जब ये तैयार होगा तो ये कितना अच्छा कलर होगा। तो इसमें जो पोटली है वो भी अभी तक इसी में है, तो इसे मैं ढक के, तो जब तक ये डन नहीं होते पक्के, पूरे पक जाएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से देखने में ही लग रहा है कि गल गए। मैं चेक कर लूँ, बहुत अच्छे से, तकरीबन 3 घंटे लगे। मैं अभी निकाल के भी दिखाती हूँ। तो इसमें अब गरम मसाला मैंने डालना है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। जो पोटली थी ना वही है गरम मसाला मैंने तब डाला था और वो अभी तक पक रही इसी में है। तो अब ये ऊपर से जो गरम मसाला मैंने डाला है और बहुत मजे की खुशबू आ रही है और जैसे गाढ़े शोर बनती है ना उसी तरह बने हैं वो शोरबा भी मैं चेक करवाऊंगी। ये जो मिक्के मैंने रखी थी ये वैसी की वैसी है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ बाहर और फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को डिश आउट करके शोरबा में। अभी आपको चम्मच के जरिए दिखाती हूँ। घी भी बहुत अच्छा सा ऊपर आ गया, कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर है। ये थोड़ा सा मैं घी हटा के या मैं प्लेट में चेक करवाऊँ आप लोगों को पता चले कि कितना। इस तरह पता नहीं चलेगा जब प्लेट में डालूंगी ना। तो ये मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसे थोड़ी देर के लिए मैंने ढकना है ताकि जो गरम मसाला इसमें आया है ना डाला मैंने तो वो बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू इसमें चली जाए और मजीद बहुत अच्छी सी खुशबू आए पाए में। और मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मेरी व्यूवर थी, उन्होंने मुझे सर्दियों में भी कहा, अब भी आजकल भी एक दो थे जिन्होंने मुझे फरमाइश की कि बड़े पाए सिखाऊं, अभी मैंने बनाए नहीं थे तो वैसे सर्दियों में तो ये बनने ही थे। तो आप लोगों की फरमाइश भी इसमें शामिल हो गई और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको ये पाए बहुत मज़े के लगेंगे देखने में भी और जब आप बनाओगे तो तब भी बहुत मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, लाइक दिया करें और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना, उसी से नोटिफिकेशन मिलता है और आपको मेरी बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी मिलेंगी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।